हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम मेंस क्रॉस पॉकेट फिटिंग पैंट कटिंग किस तरह की जाती है आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के स्टूडियो में हम फिटिंग पैंट कटिंग काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं, जिसे वॉच करने के बाद आप आसानी से फिटिंग पैंट कटिंग कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पैंट का मेजरमेंट समझ लेते हैं। हमारे पास जो पैंट होने वाली उसकी जो लंबाई है वह 41 इंच है, कमर 30.5 इंच है, हिप या जिसे हम सीट कहते हैं 35 इंच है, जांग या जिसे हम थाई कहते हैं 21.5 इंच है, घुटना 15.5 इंच होने वाला है और पैंट की मोरी 13 इंच है। आप पहले इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर ले ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। चलिए हम कटिंग इसके स्टार्ट करते हैं। और कटिंग जैसे कि हम जानते हैं, कटिंग करने के लिए जो कपड़ा बिछाया जाता है वो उल्टा बिछाया जाता है। इस तरह से हमें कपड़ा बिछा लेना है और बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले हमें जो डिफेक्टिव कपड़ा होता है उस डिफेक्टिव कपड़े को दूर कर लेना है, जैसे कि जितने भी रेशे होते हैं इन सभी को निकाल लेना है। और नीचे जब आप कपड़ा बिछाए तो कोई शल नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, काफ़ी बेसिक होता है। सबसे पहले हम डिफेक्टिव कपड़ा अलग करने के लिए इस तरह से एक मार्किंग कर लेते हैं। मोरी के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच कपड़ा छोड़ रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 2 इंच भी छोड़ सकते हैं, बट हमारे पास सफिशियंट कपड़ा है इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं। हमारी पेंट की लंबाई 41 इंच होने वाली है, बट हम यहाँ पे 41.5 इंच पे मार्किंग करने वाले हैं, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में दबने वाला है, इसलिए हमारी जितनी भी लंबाई है उससे 1/2 इंच ज़्यादा हमें एक मार्किंग करना होती है। 41.5 पे मार्क की है, यहाँ पर हमें देखिए जहाँ से कटिंग होगी उसके लिए 1/2 इंच पे मार्किंग करना होती है, क्योंकि 1.5 इंच का हम बेल्ट फिट करने वाले हैं। तो 1/2 इंच पे एक मार्किंग की और 1.5 इंच पे हमने मार्किंग की। ध्यान रखिए 1/2 इंच से हमें कटिंग करना है क्योंकि ऊपर बेल्ट पे फिट होने वाला है, और 1.5 इंच हमने यहाँ पर लटक के लिए रखा है। अब लटक किस तरह से रखी जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए लटक रखने के लिए हमें करना क्या होता है, जितनी हमारी सीट होती है, हमारी सीट 35 इंच है, तो सीट को हमें 4 से डिवाइड करना होता था, कितना आया 1/4 इंच आया। ध्यान रखिए सीट को हमने 4 से डिवाइड किया तो 1/4 इंच आया, तो 1/4 इंच पे हमें एक मार्किंग कर लेना है। इस तरह से देखिए हमने जो 1.5 इंच की मार्किंग की है उससे 1/4 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है। टोटल हमारी लटक हो गई है 10.5 इंच। यदि कस्टमर थोड़ी ऊपर पेंट बांधता है तो आप इसे हल्की सी बढ़ा सकते हैं, यदि कस्टमर नीचे पेंट बांधता है तो आप इसे हल्की सी कम कर सकते हैं। ये कस्टमर की जिस तरह से डिमांड होती है उस तरह से हमें रखना होती है। तो टोटल लटक हमारी 10.5 इंच हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 इंच कपड़ा बचा हुआ है टोटल हमारे पास। तो 31 का आधा कितना होता है 15.5 इंच होता है, 15.5 में से 5 कम करना है घुटने के लिए, तो यहाँ पे 10.5 इंच पे हमें एक घुटने के लिए मार्क कर लेना। जितना कपड़ा बचता है उसका आधा कर 5 इंच कम कर लेते हैं हम, तो ये हमारे घुटने की मार्किंग 10.5 इंच पे हो चुकी है। चलिए बाकी की मार्किंग किस तरह से की जाएगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये घुटने के लिए जो मार्क किया है यहाँ पे एक सीधे स्केल की सहायता से लाइन खींच लेना है, और यहाँ पे जो 1/4 इंच पे हमने जो मार्क किया है उससे एक लाइन खींचना है। ध्यान रखिए 1.5 इंच सिर्फ हम लटक के लिए रखते हैं, नॉर्मली हमें जो कटिंग करना होती है वो 1.5 इंच जो 1/4 इंच की मार्क है वहाँ से करना होती है। देखिए हमारे पास जो जांग है, जांग 21.5 इंच है, 21.5 का आधा कितना होता है 11.5 इंच होता है। देखिए 11.5 इंच पे हमें एक मार्किंग कर लेना है, इस तरह से जांग का आधा कर 11.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है। इस तरह से पहले मार्क कर लिया हमने, देखिए जांग का आधा किया 11.5 आया, और यहाँ पे 2.5 इंच हमें अंदर की तरफ एक मार्क करना होता है। देखिए 2.5 इंच, ध्यान रखिए 2.5 इंच पे एक मार्क हमने अंदर की तरफ कर लिया है। अब इसका सेंटर हमें निकालना है, तो 11.5 का आधा कितना होता है 1/4 5, और एक सूद होता है 5.5 से एक सूद कम होता है, तो 1/4 5 और एक सूद पे हमें सेंटर का एक मार्क कर लेना है। देखिए सेंटर की मार्किंग हमारी हो चुकी है 1/5 और एक सूद पे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1/5 और एक सूद आ रहा है, 5.5 से थोड़ा कम है। देखिए सेंटर की मार्किंग हमें यहाँ पे मिल चुकी है। इसी तरह से सेंटर की मार्किंग हमें घुटने पर भी करना है और मोरी पर भी करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/5 और एक सूद आया, इसी तरह हमें घुटने पर भी एक मार्क कर लेना है 1/5 और एक सूद। ध्यान रखिए 1/5 और एक सूद पर हमें घुटने के लिए सेंटर की मार्किंग कर लेना, यह हमारा सेंटर होने वाला है, सेंटर हम निकाल रहे हैं। इससे क्या होता है हमारी मोरी का सेंटर भी सही निकलता है। देखिए अब मोरी के लिए भी 1/5 और एक सूद पर हमें इस तरह से सेंटर के पहले मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से हम देखने वाले किस तरह जांग के लिए दिया जाएगा शेप, किस तरह से मोरी के लिए शेप दिया जाएगा।
सबसे पहले हम सेंटर का एक मार्क कर लेते हैं, यहीं से हमें सबकी मार्किंग करना होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए सेंटर हमने पहले निकाल लिया है इस तरह से। देखिए सेंटर के लिए हमें मार्किंग कर लेना, आपको हर एक स्टेप को ध्यान से वॉच करना है। देखिए अब हमारे पास घुटना कितना है, 15.5 इंच, जैसे कि आपने पहले नोट डाउन किया होगा। 15.5 को यदि हम आधा करते तो कितना आता है, 7.25 इंच आता है। देखिए 7.25 को आधा करते हैं तो कितना आता है, 4.25 और एक सूद आता है। तो देखिए 4.25 और एक सूद को हमें सेंटर में लेना है और टोटल हमें 7.25 इंच पे, देखिए टोटल 7.25 इंच हमें घुटना कर देना, क्योंकि 15.5 हमारा घुटना होने वाला है। तो इस तरह से एक मार्क कर लेना है हमें इस तरह से। अब इसी तरह मोड़ी हमारी 13 इंच है, 13 को आधा करते तो 6.5 इंच हमें इस तरह से यहाँ पे रखना होगा। और हमने सेंटर का मार्क किया इसलिए 6.5 को यदि हम आधा करते हैं तो 3.25 इंच आता है। तो 3.25 इंच सेंटर से इस तरफ मार्किंग कर लेना है और 3.25 इंच सेंटर से इस तरफ मार्किंग कर लेना है। तो ये हमारी मोड़ी की मार्किंग भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। देखिए मोड़ी को इस तरह से करने से हमारी पेंट का शेप काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब यहाँ पे शेप किस तरह से दिया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो लटक की मार्क है, उससे घुटने की जो मार्किंग है उसे आपको राउंड स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से हमने मिला दिया। आप स्केल को देखिए, स्केल को हम किस तरह से रख रहे हैं, उसी तरह उसी शेप में स्केल रखते हुए हमें इस तरफ भी मार्किंग कर देना है। इस तरह से हमारे घुटने से तो जहाँ जो लटक है वहाँ तक मार्किंग राउंड स्केल की सहायता से हुई है, और घुटने से मोरी तक की जो मार्किंग होगी वो सीधे स्केल की सहायता से होगी। तो चलिए इस तरह से हमें सीधे स्केल की सहायता से मार्किंग कर लेना है। देखिए सीधे स्केल की सहायता से हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। तो ये हमारे नीचे का शेप यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब ऊपर किस तरह से शेप दिया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मली फिटिंग पेंट है इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ मार्क करना होता है। देखिए हमारी कमर 3.5 इंच है, देखिए सीधा यदि लेते हैं तो इस तरह से मार्किंग करना होगी, बट हमें थोड़ा अंदर की तरफ मार्क करना है। देखिए इस तरह से हमें थोड़ा अंदर लेते हुए मार्किंग करना है और यहाँ पर इस तरह से शेप दे देना है। तो हमने यहाँ पे शेप दे दिया, यहाँ से हमारी फ्लाई फिट होने वाली है। अब हमारी जो कमर है वो कमर 3.5 इंच है। अब यहाँ पे किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए कमर को यदि हम 4 से डिवाइड करते तो 7.5 और एक सूद आता है। 3.5 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 7.5 और एक सूद आता है। और यहाँ पे हमें कम से कम 0.25 इंच कपड़ा छोड़ना होता है, क्योंकि सिलाई में दोनों तरफ दबने वाला है। तो देखिए मोरी को यदि हमने आधा किया तो कितना आया, 7.5 और एक सूद आया, और 0.25 इंच कपड़ा हमें सिलाई के लिए छोड़ना है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे टोटल कपड़े की मार्क कर ली। देखिए ये हमारी बेसिकली कमर की मार्क हो चुकी है 7.5 और एक सूत पर, और उतना कपड़ा हमारा सिलाई में छूटने वाला है, इसलिए हमने कम से कम 0.5 इंच कपड़ा छोड़ा है उस तरफ, ताकि वो सिलाई में दब सके। अब यहाँ से हमारे लटक से ऊपर तक राउंड स्केल की सहायता से इस तरह से हमें मार्क कर देना है। तो यहाँ पर हमारी यह मार्किंग यहाँ पर कम्प्लीट होती है। चलिए यहाँ पे हमें इस यहाँ से जो मार्किंग करते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ करते हैं, और यहाँ पर 0.5 इंच हमें कम से कम डाउन करते हुए मार्क करना होता है। तो यहाँ पर हम 0.5 इंच डाउन करते हुए मार्क कर लेते हैं इस तरह से। चलिए यहाँ पे हमें पॉकेट के लिए मार्क करना है, तो पॉकेट हम 2.25 इंच का लगाने वाले हैं इस तरह से, 2.25 इंच, और 2.25 इंच की मार्किंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है। और नीचे हमें कम से कम 6.5 इंच की मार्क का पॉकेट लगाना होगा, क्योंकि कस्टमर जो पेंट बांधता है वो नीचे बांधता है, तो हमें यहाँ पे 6.5 इंच का पॉकेट लगाना होगा। यदि कस्टमर पेंट थोड़ा ऊपर बांधे तो आपको वहाँ पे फिर 7.25 इंच का पॉकेट लगाना होगा, बट यहाँ पे कस्टमर नीचे पेंट बांधने वाला है इसलिए हम यहाँ पे 6.5 इंच का पॉकेट लगाने वाले हैं, और इसे सीधे स्केल के सहायता से हमें यहाँ पर मिला देना है। तो यहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं फ्रंट की कटिंग कंप्लीट होती है। चलिए अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से हमें सिंपल सी कटिंग कर लेना है। आपको हर एक स्टेप को ध्यान से वॉच करना है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। और आगे चलकर हम क्लासेस के ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं, जैसे शर्ट में फ्रंट की कटिंग किस तरह से की जाती है, आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाती है, पैंट में फ्रंट की कटिंग किस तरह से की जाएगी, हर एक स्टेप को हम आसानी से सीखने वाले हैं, जिसे वॉच करने के बाद आप किसी भी मेजरमेंट के लिए कपड़े की कटिंग आसानी से कर सकेंगे। वह क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है, यदि आप चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो
चलिए अब हम सीख लेते हैं बैक की कटिंग किस तरह से की जाने वाली है। तो बैक की कटिंग स्टार्ट करने से पहले यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि बैक को किस तरह से जमाया जाता है, बैक के ऊपर फ्रंट किस तरह से जमाया जाता है। तो देखिए, नॉर्मली हमारे पास फ्रंट के ऊपर कम से कम 1.5 इंच जगह होना चाहिए और यहाँ पे हम फिटिंग पेंट कटिंग कर रहे हैं तो साइड से हमारे पास कम से कम 2.5 इंच जगह होना चाहिए। देखिए 1.5 इंच जगह है हमारे पास ऊपर और यहाँ पर देखिए 1.5 इंच कम से कम जगह हमारे पास इस तरह से होना चाहिए और यहाँ पे हम फिटिंग पेंट कर रहे हैं तो साइड से कम 2.5 इंच जगह होना चाहिए। देखिए कम से कम 2.5 इंच जगह होना चाहिए। यदि लूजिंग पेंट है तो आपको 2.75 इंच भी रखना पड़ सकता है और 3 इंच भी रखना पड़ सकता है, बट फिटिंग पेंट है इसलिए हमें कम से कम 2.5 इंच कपड़ा यहाँ पर होना चाहिए और मोरी के पास से 1.5 इंच कपड़ा होना चाहिए। तो चलिए, इस तरह से हमारा फ्रंट यहाँ पर जम चुका है। अब किस तरह से मार्किंग की जाएगी चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से थोड़ा नीचे की तरफ होते हुए एक मार्क करना है, घुटने पर से हमें एकदम सीधा मार्क करना है और मोरी पर से भी हमें एकदम सीधा मार्क करना है। तो चलिए हमने पहले मार्किंग कर लिया, अब कहाँ पे कितनी लूजिंग देना है यह समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपको पहले ही कहा था फिटिंग पेंट है इसलिए हमने 2.5 इंच कपड़ा छोड़ा है, यहाँ पर 2.75 इंच, ध्यान रखिए 2.75 इंच कपड़ा छोड़ा है। यदि लूजिंग पेंट होती तो हमें यहाँ पर 2 इंच भी छोड़ना पड़ सकता था और मोरी के पास से हमेशा हम 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हैं। बैक हमेशा 1.5 इंच नीचे से बड़ी कटती है और आप देख सकते हैं लटक से हमारा जो घुटना है उसे राउंड स्केल की सहायता से मिला देना है इस तरह से और घुटने से मोरी तक का जो पोर्शन है उसे हमें सीधे स्केल की सहायता से यहाँ पर मिला देना है। तो आप देख सकते हैं नीचे का शेप कंप्लीट होता है। अब ऊपर किस तरह शेप दिया जाएगा हम समझ लेते हैं। चूंकि फिटिंग पैंट है और क्रॉस पॉकेट है तो बैक हमारी 1 इंच पीछे से बड़े कटने वाली है, तो 1 इंच हमने मार्क किया है। इसे पहले हम एक मार्क कर लेते हैं इस तरह से और इसे राउंड स्केल की सहायता से देखिए यहाँ पे इस तरह से रखना है और पॉकेट से लेकर तो नीचे तक देख सकते हैं आप राउंड स्केल की सहायता से इस तरह से रखकर एक मार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हैं एक मार्क हो चुका है। ऊपर हमने 1.5 इंच जो कपड़ा छोड़ा था तो 1.5 इंच ऊपर स्केल करते हुए हमें इस मार्क से इसे इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पर हमारी यह मार्किंग ऊपर की कंप्लीट होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कितनी कमर छोड़ना होगी या कितना कपड़ा यहाँ पे छोड़ना होगा। तो आप सबसे पहले यह समझिए कि हमारी कमर कितनी है। बेसिकली देखा जाए तो 30.5 इंच है, 30.5 को 4 से डिवाइड किया तो 7.5 और 1 सूद आया। ध्यान से समझिए, कमर को 4 से डिवाइड किया तो 7.5 और 1 सूद आया, प्लस 1 इंच का हमें यहाँ पे डॉट देना होता है या शल लगाया जाता है। तो कितना होगा 1 इंच का? 8.5 और 1 सूद हो गया है और हमारे पास 0.5 इंच सिलाई में दबने वाला है। तो इस तरह हमें कम से कम 9 इंच और 1 सूद यहाँ पे कपड़ा छोड़ना है। यहाँ पे हमें देख सकते हैं यहाँ पे शीट किस तरह से रखना है। तो शीट के लिए हमारी जो शीट थी वो 35 थी, 35 को 4 से डिवाइड किया तो 0.25 इंच आया और 1 इंच हमें लूजिंग रखना होती है तो टोटल 0.10 इंच पे हमें यहाँ पे शीट की मार्क करना है। जो हमारी शीट है उसे 4 से डिवाइड करना है 0.9 और 1 इंच हमें ज़्यादा रखना होता है तो 0.10 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया है। अब जो हमारी ये बेसिकली देखा जाए तो कमर से शीट की जो मार्क हुई उसे मिलाकर इस तरह से हमें यहाँ पर शेप दे देना है। यहाँ से हमारी सिलाई लगने वाली है और यह एक मार्क हमने दिया है जहाँ से हमें बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से कटिंग होने वाली है। नॉर्मली यह जो जगह होती है 2 से 2.5 इंच होती है। यदि हमें कमर फ्यूचर में आगे चलकर बढ़ाना हो तो हम यहाँ से इस कपड़े को खोलकर कमर बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली यह जो जगह होती है वो 2 से 2.5 इंच होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 इंच हमारे पास जगह है जिससे हम फ्यूचर में यदि हम कमर बढ़ाना हो तो यहाँ से हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बैक की मार्किंग कम्प्लीट होती है। अब हम कटिंग देख लेते हैं किस तरह से की जाएगी। अब हमने जिस तरह से मार्किंग की है उसी तरह से सिंपल हमें कटिंग कर लेना है। आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह से फ्रंट कटिंग की जाती है, किस तरह से बैक कटिंग की जाती है। आगे चलकर हम और भी बेसिक और डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं जिसे वॉच करने के बाद आप किसी भी मेजरमेंट के लिए पैंट की कटिंग आसानी से कर सकेंगे। फ्रंट की कटिंग किस तरह से की जाएगी, बैक कटिंग किस तरह से की जाएगी, जब आप उन क्लासेस को वॉच करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, हमने जिस तरह से मार्किंग की है उसी तरह से यहाँ पर कटिंग कर लेना है। यदि आप क्लासेस के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं
हम और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जिसे वॉच करने के बाद आप आसानी से कटिंग सीख सके। और स्टिचिंग के ऊपर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, जिसे वॉच करने के बाद स्टिचिंग भी आसानी से सीख सके। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट होती है।